यहां पर ईवीएम की चर्चा भी काफी हो रही है और एक नई बीमारी शुरू हुई है, मुझे माफ करना, ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, बहाने बनाए जाते हैं। सभापति जी, कभी हम भी सदन में दो रह गए थे और हमको ये बार बार कहा जाता दो या तीन बस, दो या तीन बस कर करके हमारी मजाक उड़ाई जाती थी। इतने बुरे दिन हमने देखे थे, लेकिन हमारा कार्यकर्ताओं पर भरोसा था, हमारे विचार पर भरोसा था, देश की जनता पर भरोसा था और परिश्रम करने की, त्याग करने की, पराकाष्ठा करने की हमारी तैयारी थी। उस निराशाजनक वातावरण में विश्वास पैदा कर करके हमने पार्टी को फिर से खड़ा किया, हमसे हमारे आगे की पीढ़ी ने काम किया, लेकिन करके दिखाया। और यही तो नेतृत्व की कसौटी होती है। हमने उस समय पोलिंग बूथ कैप ये हुआ था, डिकना हुआ था, ये हुआ था, इसलिए हम हार गए, रोना धोना नहीं, हार गए, फिर से काम करें, पुनश्चर्य हम निकल पड़े और हम परिणाम भी लेकर के आते चले आए। लेकिन जब स्वयं पर भरोसा नहीं होता है, सामर्थ्य का अभाव होता है, तब फिर बहाने खोजे जाते हैं। और इसलिए आत्मचिंतन करने की जिनकी तैयारी नहीं है, दोष स्वीकारने की तैयारी नहीं है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की तैयारी नहीं है, वो फिर ईवीएम को ढूंढते हैं, ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा जाए ताकि फिर अपने साथियों के सामने तो कम से कम हम बता सकते हैं, देखो देखो हम तो बहुत अच्छा काम किया है, हम नहीं हारे, वो तो ईवीएम के कारण हारे। मैं समझता हूं इस प्रकार से न हम राजनीतिक कैडर का भला करेंगे, राजनीतिक कैडर को निराश करने से कोई फायदा नहीं है। हिम्मत है तो आगे आइए, अपने कैडर को तैयार कीजिए, फिर और चुनाव एक थोड़ा पूरा हो गया और चुनाव आने वाले हैं, इस प्रकार की निराशा का क्या मतलब है। और इसलिए माननीय सभापति जी, पहला एक समय था, चुनाव की प्रक्रिया हमने सब प्रकार की देखी है, चुनाव प्रक्रियाओं में सुधार होता गया है। प्रारंभिक जो चुनाव हुए 52 के बाद की शुरू के कालखंड के, महीनों महीनों तक चलते थे, बॉक्स ले लेकर के गांव गांव जाते थे पुराने लोग, जो हम तो उस समय बहुत बच्चे थे, लेकिन जो सुना है उसमें से सुधार करते 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 यहां पहुंचे। एक निरंतर प्रक्रिया है सुधार की, और इसलिए उस सुधार प्रक्रिया को, और पहले का जमाना देख लीजिए क्या था, चुनाव के बाद अखबारों की हेडलाइन क्या होती थी, अखबारों की हेडलाइन यही होती थी कि इतनी हिंसा हुई, इतने लोग मारे गए, इतने बूथ कैप्चर हुए, ये तीन मेन न्यूज रहते थे। आज ईवीएम का कारण खबर एक ही होती है कि पहले की तुलना में मतदान कितने प्रतिशत बढ़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि हमने, और हम जानते हैं पहले कैसा होता था, बूथ कैप्चर करना, लूट करना, जो दबांग लोग थे उन्हीं के हाथ में था लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के। और जब से सही अर्थ में लोकतंत्र की प्रक्रिया आई है, ऐसे लोगों का हारने का क्रम भी तभी से शुरू हुआ है, इसलिए उनको उस वापिस जगह पे जाना। देश लोकतंत्र को इस प्रकार से दबोचने की प्रक्रिया में मदद नहीं कर सकता है। माननीय सभापति जी, आज इस सदन के माध्यम से मैं देश के सामने भी बात बताना चाहता हूं कि ईवीएम सबसे पहले 1977 में इसकी चर्चा प्रारंभ हुई, और तब तो हम राजनीति में कहीं नजर नहीं आते थे, हम तो बहुत दूर बैठे थे जी। 77 में चर्चा शुरू हुई, 1982 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया, 1988 में हम नहीं थे, इसी सदन में बैठे हुए उस समय के महानुभावों ने कानूनन इस व्यवस्था को स्वीकृति दी, कानून बनाया। इतना ही नहीं, 1992 में कांग्रेस के ही नेतृत्व में इस ईवीएम को लेकर के सारे रूल्स बनाए गए, यानी एक प्रकार से जो कहते हैं हमने किया हमने किया हमने किया, तो ये भी तो आप ही ने किया, आप हार गए इसलिए रो रहे हो, ये क्या तरीका है। और इसलिए मैं समझता हूं, और ईवीएम से इस देश में अब तक
विधानसभाओं के जो चुनाव हुए हैं, स्टेट असेंबलीज के 113 चुनाव हुए हैं ईवीएम मशीन से, और यहां उपस्थित करीब करीब सभी दलों को उसी ईवीएम से चुनाव जीत करके सत्ता में आने का या सत्ता में भागीदार होने का अवसर मिला है। 113 असेंबली के चुनाव हुए हैं, 4 लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी दल बदले हैं, अलग अलग लोग जीत करके आए हैं, और आज पराजय के लिए हम इस प्रकार की बातें करते हैं। 2001 के बाद विभिन्न हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम को लेकर के मसले उठाए गए हैं। सारे परीक्षण के बाद ईवीएम पर सारी चीजों में सभी देश के न्यायपालिकाओं ने पॉजिटिव अपना वर्डिक्ट दे दिया है। 2017 में जब इतना बड़ा हो हल्ला हुआ, क्योंकि पराजित लोगों की इकोसिस्टम अभी काम कर रही है, चारों तरफ हो हल्ला खड़ा हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने खुद ने चैलेंज रूप में कहा कि मैं ये रखता हूं, आप आइए, गलत है तो हमें सिद्ध करके दिखाइए। जो लोग आज ईवीएम के गीत गा रहे हैं, रोना रो रहे हैं, एक भी दल वहां गया नहीं, 2 पार्टियां गई, एनसीपी एंड सीपीआई, लेकिन उन्होंने भी क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने कहा जरा हमें समझाइए हाउ ईवीएम ऑपरेट्स, सिर्फ समझने का प्रयास किया, लेकिन कम से कम एनसीपी और सीपीआई के लोग गए, बाकी लोग तो इलेक्शन कमीशन के निमंत्रण के बाद भी गए नहीं जिस पर वो शक कर रहे थे। और ये अपप्रचार और ये प्रकार के एक निश्चित प्रकार का वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप इतना बड़ा तूफान खड़ा किया, तो उस हवा में हमारे लोग भी आ गए, कभी हम भी मानने लग गए थे कि ईवीएम से कोई गड़बड़ है, हमारी पार्टी में से भी आवाज उठी थी, लेकिन हमने ईमानदारी से उसके सत्य तक पहुंचने का प्रयास भी किया, टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास किया, और हमने खुद ने भी ईवीएम के विषय में शक किया था, जब सारी चीजें समझे तो हमारी पार्टी में भी उस विचार को मानने वालों को समझाया गया कि गलत रास्ता है आपका, और हमने सही रास्ते पर चले, टेक्नोलॉजी है, समझनी चाहिए, समझ करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और इसलिए मैं समझता हूं कि इस बातों को लेकर के आदरणीय सभापति जी, फिर वीवीपैट की बात आई, बार बार सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरे चुनाव के वातावरण को डिरेल करने के लिए इसको एक साधन बनाया गया, हर शाम इलेक्शन कमीशन में जाओ, होल्ला करो, मीडिया में जगह ले लो, सामान्य मतदाता के मन में विश्वास पैदा करने के बाद अविश्वास पैदा करना, ये वातावरण बनाया गया, वीवीपैट का क्या हुआ? जितनी आशंकाओं को लेकर के गए, हम सब साक्षी हैं कि वीवीपैट ने फिर एक बार ईवीएम की ताकत को बढ़ा दिया, परिणाम सामने है। और ये देख मैं हैरान हूं कांग्रेस पार्टी के लिए, इसलिए मुझे कहना पड़ता है क्योंकि आपने इतने सालों तक शासन किया है, देश की एक मुख्य धारा राजनीति की आपके पास रही है लंबे अरसे तक, अनुभव से आप मुझे कहना पड़ेगा कि आपके कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आप विजय भी नहीं पचा पाते हैं, आजादी के इतने साल इतने विजय प्राप्त हुए, आप विजय नहीं पचा पाए, और 2014 से मैं लगातार देख रहा हूं आप पराजय को स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि कोई हेल्दी ग्रोथ हो रहा है किसी राज्य, और भारत में लोकतंत्र में हर दल का अपना एक स्थान है, महत्व है, उसका आदरपूर्वक सम्मान होना चाहिए, और उसके प्रति हमारी शुभकामनाएं होनी चाहिए हर दल के प्रति, तभी तो लोकतंत्र चलता है। लेकिन न हम पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और न ही हम विजय को पचाने का सामर्थ्य रखते हैं।